एनसीआर में सुबह से हो रही बारिश के चलते ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है और इस जाम के चलते लोग काफी परेशान हुए हैं। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला NH24 की रफ्तार भी धीमी हो गई। बारिश और ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को दफ्तर पहुंचने में भी परेशानी हुई और देरी हुई। वीरवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते जगह जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी सामने आनी शुरू हो गई है। नजारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये NH24 का नजारा है जो कि यूपी को दिल्ली से जोड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्रैफिक की गति है वो काफी धीरे हो गई है। जो दिल्ली से नोएडा आने वाला रूट है वहाँ पर ट्रैफिक जाम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आ रहे हैं उस तरफ भी ट्रैफिक जाम है। कैमरे की नजर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंदिरापुरम की, आप ये रेड लाइट देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो गाड़ियों की लगी हुई है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी बारिश शुरू होती है उसके बाद ट्रैफिक जाम की स्थिति भी सामने आने लगती है, जगह जगह जलभराव होता है। ऐसी जगहें देखने को मिलती है जहाँ पर ट्रैफिक काफी धीरे हो जाता है। नोएडा इसलिए भी क्योंकि नोएडा में कई कंपनीज हैं, लोग दिल्ली से नोएडा जॉब करने आते हैं, तो खास तौर पर लोगों को अब ऑफिस पहुंचने में देरी हो रही है। अमूमन इस तरीके के प्रशासन दावे करता है कि बारिश को लेकर वाटर लॉगिंग से वो जनता को दो चार नहीं होने देंगे। वाटर लॉगिंग नहीं होगी तो ट्रैफिक जाम से भी लोगों को निजात मिलेगी, लेकिन जब जब बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जलभराव के साथ साथ ट्रैफिक जाम की भी स्थिति से लोग परेशान होते नजर आते हैं। कैमरामैन शूरवीर के साथ जतिन शर्मा, टोटल टीवी, नोएडा।